हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। मैं हूँ पूजा और पूजा रेडियो स्टाइल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे घर में सेलिब्रेशन है। सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, उठ के झाड़ू लगा लिया मैंने सबसे पहले घर पे, उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। देख ही सकते हो घर भी मुझे क्लीन करना है क्योंकि आज सेलिब्रेशन है, पार्टी होने वाला है। तो किस चीज़ का तो पार्टी होने वाला है ये तो बताती हूँ पहले। उसके बाद मैंने बहुत सारे कपड़े जो वो मैंने भिगो के रख दिया था क्योंकि कपड़े भी मुझे धोने पड़ेंगे। आज मैं बता दूँ गाइस, आज है जमाई षष्ठी और जमाई षष्ठी के दिन हम लोग बहुत धूमधाम करके सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जमाई षष्ठी जो बंगाली लोग का बहुत बड़ा एक त्यौहार होता है। जमाई षष्ठी इस दिन जमाई लोग जो सास लोग हैं बहुत सारे पकवान बनाते हैं, बहुत सारे पकवान बनते हैं। तो देख ही सकते हो यहाँ पे मैं क्या क्या बना रही हूँ, चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, सबसे पहले मैंने बना लिया था राइस, उसके बाद एक बनाया था भाजी बना लिया था, अब मैं बना रही हूँ चिकन का पकौड़ा। तो देख ही सकते हो चिकन का पकौड़ा जो है तलने के लिए मैंने डाल दिया है इसमें कढ़ाई में चिकन पकौड़ा। उसके बाद मैंने चिकन का जो आलू है वो भी मैंने फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे देखो ये षष्ठी का पूजा होता है, यहाँ पे जमाई षष्ठी का पूजा, फल यहाँ पे देख सकते हो फल लिया जाता है, उसके बाद मिठाई और पखा जो इसमें इससे षष्ठी का षष्ठी होता है जमाई षष्ठी, उसका पानी रिचुअल्स होता है कि पानी दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग का पूजा भी कम्प्लीट हो चुका है। आलू जो है वो फ्राई कर चिकन जो चिकन बनकर रेडी हो चुका है। तो कितना सुंदर लग रहा है देखने में, आप लोग देख ही सकते हो। और मैंने बहुत सारे पकवान बनाए थे ये तो दिखाऊंगी लास्ट में। उसके बाद मैं चिकन मैंने कैसे बनाया चलो दिखा देती हूँ। पहले मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया था, उसके बाद रसुन जो है ना उसको भी मैंने अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैरिनेट का चिकन जो है वो मैंने डाल दिया था, मैंने बनाया था लोकल चिकन। मैंने बंगाली बोलते लाल देसी मुर्गी झोल, तो देसी मुर्गी का मैंने झोल बना लिया था यहाँ पे देख सकते हो। और मैंने यहाँ पे बनाया था देसी मुर्गी का पकौड़ा, वो भी बनाया था, बहुत अच्छा हुआ था खाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था। और सच में खाना किसी रिक्वेस्ट के टाइम पर खाना इतना पकवान बनता है और इतना खाना बनता है खाया नहीं जाता है किसी से। तो मेरा तो अभी भी शादी नहीं हुआ है और मेरी मम्मी जो है रिचुअल्स करती है क्योंकि हम लोग का ये नियम है, इसलिए हमारे घर में रिचुअल्स होता है। जब मेरा शादी हो जाएगा तो उसको भी खाना मिलेगा, मेरे जो हस्बैंड है उसको। उसके बाद देख ही सकते हो यहाँ पे है चिकन का, चिकन का हम लोग इसको बोलते हैं शातलानी चिकन, बंगाल में बोलते हैं शातलानी चिकन। मैं चिकन का जो चिकन फ्राई होता है उसको भी मैंने निकाल लिया था एक बाटी में। उसके बाद अभी मैं देखो यहाँ पे चिकन पकौड़ा का मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे देख ही सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैंने चिकन पकोड़ा का मैं प्लेटिंग कर रही हूँ और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चिकन पकोड़ा देखो, एक प्लेट का चिकन पकोड़ा मिलता है 120 में। और यहाँ पे देखो मैंने कितना सारा चिकन पकोड़ा बना लिया है यहाँ पे देखो। उसके बाद मैंने गार्निशिंग कर दिया है, मैंने प्याज दे दिया है ऊपर से, देखो इतना सुंदर लग रहा है ना, टेम्प्टिंग लग रहा है देखने में, इतना अच्छा लग रहा है। अभी मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो, मुझे खाने का मन कर रहा था वीडियो देख के। उसके बाद मैंने इसमें नींबू भी मैंने दे दिया है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों का ये रिचुअल्स है या नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन भी मेरा रेडी हो चुका है, देसी मुर्गी का झोल भी रेडी हो चुका है यहाँ पे देखो। उसके बाद मैंने प्लेटिंग कर रही हूँ राइस का, यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से राइस का मैंने प्लेटिंग कर दिया है और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। फुल दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या प्लेटिंग किया है। यहाँ पे देखो लीची मिठाई, उसके बाद चिकन पकौड़ा, चिकन कड़ी, चिकन कोशा, एक उसके बाद था कोल्ड ड्रिंक्स, इतना सारा खाना बना है। मेरा तो शादी नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बनाए।